नमस्कार। हैरी भोजन में आज अरवण पायसम। ये एक प्रसाद है, गुरुवायूर मंदिर में, अय्यप्पा मंदिर में ये प्रसाद के रूप में बनाते हैं। इसको नई पायसम खीर भी बोल सकते हैं। इसको कैसा बनाते हैं करके अभी मैं बोलती हूँ। उसके लिए एक कप राइस लिया है मैंने। ये चीरा का चंबा बोल के तमिल में मिलता है, तमिलनाडु में मिलता है। आप लोग ऐसा बारीक चावल ले सकते हैं आप। और एक कप चावल लेगा तो एक कप घी लगता है और तीन कप गुड़ जागरी। एक कप चावल, एक कप घी, तीन कप गुड़ और काजू, किशमिश, इलायची पाउडर, नारियल को ऐसा बारीक काट के रखा है। फ्रेश नारियल को ऐसा बारीक काट के रखा है। पहले मैंने एक ग्लास चावल को तीन ग्लास पानी डाल के उबालने लगाया, उबालने के लिए रखा है। उसमें मैं चावल अभी धो के रखा था, उस चावल को मैं इसमें डाल रही हूँ। अरवण पायसम है इसका नाम। ये ज़्यादातर प्रसाद के रूप में मंदिर में बनाया जाता है। घर में कुछ फंक्शन रहेगा, पूजा रहेगा तो ये प्रसाद के रूप में बनाते हैं। ये टेस्ट बहुत अच्छा रहता है। अभी मैंने और दूसरा गैस में एक ग्लास पानी डाल के उबालने के लिए रखा है। उसमें तीन ग्लास गुड़। स्वीट आप कम ज़्यादा कर सकते हो, लेकिन ये थोड़ा स्वीट ज़्यादा रहता है, इसलिए मैं तीन ग्लास डाला है। रा राइस एक कप, जो माफ में आप लेते हो उसी में तीन भाग जागरी यानी कि गुड़ लेने का है। चावल किस ग्लास में आप माफ लेते हो उसी माफ में एक ग्लास घी और चॉप किया हुआ कोकोनट और काजू, किशमिश, इलायची पाउडर। पहले तीन ग्लास पानी डाल के रा राइस को अच्छे से धोने के बाद इसमें पकाना पड़ता है। ये अच्छे से पकना चाहिए चावल। इसलिए एक को तीन ग्लास पानी डालते हैं और एक ग्लास पानी डाल के तीन ग्लास गुड़ को इसको मेल्ट करने के लिए रखा है। ये मेल्ट होने के बाद इसको छानना पड़ेगा, क्योंकि गुड़ में कभी कभी कुछ मिट्टी या कचरा कुछ रहता है, इसलिए जब डालने के टाइम छान के डालने का है। इसलिए गुड़ को थोड़ा सिरप जैसा बनाने का है। अभी एक कढ़ाई में एक ग्लास, एक टेबलस्पून घी डालने का। घी में काजू, किशमिश और नारियल को फ्राई करके निकाल के रखने का है। गुड़ में गुड़ गलने तक रहना चाहिए बस। ये खाने में बहुत अच्छा लगता है। ये आप केरला में एक लाल कलर का चावल भी मिलता है, उसमें भी बना सकते हो आप, और सादा चावल में भी बना सकते हो। अभी घी एक कढ़ाई में मैंने रखा है, उसमें ये कट किया हुआ नारियल को मैं इसमें डाल रही हूँ। इसको अच्छा लाल होने तक फ्राई करने का। ये गुड़ अच्छा से गल गया है, अभी इसको बंद करने का है। इसमें कुछ तार वगैरह लगाने करने का नहीं, सिर्फ ये गुड़ जो भी रहेगा वो सब मेल्ट होना चाहिए बस। नारियल में जो भी पानी था वो सब सूख गया है, अभी मैं निकालती हूँ।
अभी मैंने काजू भी डाला है, काजू भी लाल हो गया है, उसको भी निकाल रही हूँ। अभी मैं किशमिश डाल रही हूँ। अभी ये चावल को देखते हैं, चावल और थोड़ा पकने का है, इसमें एक ग्लास और पानी लगेगा। ये चावल अच्छे से गलना चाहिए, तब तक पकाना चाहिए, क्योंकि गुड़ का पानी डालने के बाद पकता नहीं है ये। ये एक केरला डिश है, ये भगवान का प्रसाद के लिए घी ज़्यादा डाल के एक प्रसाद के रूप में चढ़ाया जाता है। ये अय्यप्पा मंदिर में प्रसाद में मिलेगा, और कोई भी आप केरला का मंदिर में जाएगा तो ये पायस मिल जाएगा। इसको बनाने के लिए सादा ऐसा पायस में इतना घी नहीं लगता है, इसमें ज़्यादा घी लगता है, और थोड़ा ज़्यादा स्वीट भी रहता है, और टेस्ट भी अच्छा रहता है इसका। तीन चीज़ में ही बनता है, सिर्फ एक कप आप चावल लेंगे, एक कप घी लेने का, तीन कप गुड़ लेने का है। गुड़ का अलग से गलने तक अच्छा से एक सिरप बनाने का, और चावल को अच्छा मैश होने तक पकाने का है, क्योंकि गुड़ डालने के बाद मैश नहीं होता है, इसलिए पहले से ही मैश करना पड़ेगा चावल को। आप लोग कोई भी पूजा करते हो, कोई भी त्यौहार हो, तो आप ये बना के खिलाइए, सब लोग को बहुत पसंद आएगा। चावल अच्छा से मैच हो गया है, अभी मैं इसमें गुड़ डालने वाली हूँ। गुड़ को छान के डालने का है, ऐसा ही नहीं डालने का। अभी ये गुड़ के साथ भी थोड़ा पकेगा। अभी ये जो भी काला काला कचड़ा रहता है वो सब ये छन्नी में रुक जाएगा, इसलिए छान के डालना पड़ता है। अभी ये अच्छे से उबाल आना चाहिए, अच्छे से गुड़ के साथ गुड़ का कच्चा स्मेल अच्छे से निकलना चाहिए। अभी इस टाइम में इसके साथ पकने के लिए घी डालना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा करके घी डालने का है। और इलायची पाउडर रखा है, उसको मैं डाल रही हूँ। आप चावल को कुकर में अच्छे से पका के मैश करके भी ऐसा बना सकते हो, मैं टाइमिंग के लिए ऐसा अलग से बनाया है। इसमें बारीक चावल डालेगा तो अच्छा बारीक बारीक अच्छा दिखेगा। इसमें दूध नहीं डालते हैं, मंदिर में प्रसाद में बनाते हैं, ये तीन चीज़ से ही बनता है। दूध डालेगा तो वो अलग अलग रहता है, और ये गुड़ चावल और घी में शक्करा पोंगल करके एक बनाते हैं, उसमें थोड़ा मूंग दाल डालते हैं, और एक दूध में पूरा पकाते हैं, उसको अकारा वडिसल बोलते हैं, और ये अरवना पायसम बोलते हैं, इसमें बिल्कुल दूध नहीं रहता है। ऐसा अलग अलग नाम से अलग अलग बनाते हैं प्रसाद के रूप में। अभी इलायची डाला है, गुड़ डाला है, इसलिए अच्छा खुशबू आता है। अभी बीच बीच में थोड़ा घी भी डालने का है। सिर्फ ये देखने के बाद तुरंत बना के खा सकते हो, घर के जो भी सामान है उसी में बनता है, इसलिए आप तुरंत बना के खा सकते हो। इसको सिर्फ आप कुकर में चावल रख देगा तो 15 मिनट में बन जाएगा। अभी आप गुड़ डालने के बाद अच्छे से मिलाने का है, नहीं तो वो नीचे बैठने का चांसेस बहुत है। गुड़ कभी भी मीठा डालने के बाद अच्छे से मिलाते रहने का है, थोड़ा मिक्स करने का, अच्छे से नीचे से लेके अच्छे से मिक्स करने का, नहीं तो नीचे अच्छे से बैठ जाएगा।
छोड़ने का नहीं। ये गुरुवार मंदिर में आप कभी भी जाओगे तो ये प्रसाद रोज का बनता है और अच्छा भी रहता है। उधर उन लोग कांच का बर्तन में बनाते हैं बहुत सारा क्वांटिटी डाल के। मैं पूरा घी डाल दिया। ये जो घी है ना दो दिन तक खराब नहीं होता है क्योंकि घी ऐसा ऊपर में रहता है, इसीलिए वो दो दिन तक अच्छा से रहता है, खराब नहीं होता है। मैं काजू डाल रही हूँ, किशमिश और ये नारियल जो फ्राई किया है वो भी डाल रही हूँ। अभी ये गाढ़ा हो गया है, देर होते होते गुड़ है गाढ़ा हो जाएगा, आप ऐसा ही खा सकते हो। और घी ऐसा ऊपर से लगा हुआ रहेगा, टेस्ट बहुत अच्छा रहेगा। ये खाने में बहुत सिंपल है। ये है अरवण पायसम स्वीट घी। हमारा चैनल हैरी भोजनम, उसमें साउथ इंडियन डिशेस, नॉर्थ इंडियन डिशेस सब डालते हुए आ रही हूँ। आप लोग उसको देखिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। और एक अच्छे रेसिपी के साथ फिर से मुलाकात होगी। धन्यवाद।